जब से यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी आई है, तब से ही रूसी सेना ने यूक्रेन में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। और पिछले साल भी रूसी सेना ने यूक्रेन को कड़ाके की ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन इस बार यूक्रेन के आसमान को रूसी हवाई हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को अटैकमस और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बड़े हथियार दिए थे। हालांकि दिसंबर 2023 में रूसी सेना ने कीव के पास अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया था। और इन दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज पर कई बड़े हमले किए हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन हवाई हमलों में कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 6 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लंबे वक्त तक मिसाइलें नहीं दे पाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में कहा है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को पेट्रियट बैटरीज की सप्लाई और इंटरसेप्टर्स मिसाइलें नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। अखबार ने कहा कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $20 लाख से लेकर $40 लाख तक है, जो अमेरिका के लिए बेहद ही महंगी है। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा था और यूक्रेन के पास रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। लेकिन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद से ही यूक्रेन ने रूस को आसमान में कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया था। और 11 दिसंबर 2023 को सुबह रूसी सेना ने कीव पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने सेकंड्स में इंटरसेप्ट कर लिया था। इसके अलावा मई जून के बीच में यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया था, लेकिन दो यूक्रेनी पेट्रियट बैटरीज ने रूस की सभी 34 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था। और रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से ही यूक्रेन में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की अलग अलग तरह की मिसाइलों और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट करने में एक अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, उसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है और वो एक बार में 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा इसका रेडार भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग रोधी है और पेट्रियट बैटरी को चलाने में कम से कम 70 प्रशिक्षित सैनिकों की जरूरत होती है और 3 सैनिक कंट्रोल स्टेशन में तैनात होते हैं। और पेट्रियट सिस्टम आने वाली मिसाइलों की स्पीड, ऊंचाई और अनुमानित कोर्स की गणना करता है, जिससे रूसी मिसाइलों को व्यवस्थित तरीके से आसमान में ही रोक दिया जाता है।